कुछ घंटों की बात है, इंडिया भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप फाइनल में। हमारे साथ फैंस का जमावड़ा है, सिर्फ एक दो फैंस नहीं है बट फैंस का जमावड़ा है। बट उसके साथ साथ कुछ स्पेशल फैन भी है हमारे साथ। सुधीर जी है, मनोज जी है हमारे पास साथ है, बाकी सारे फैंस हैं। तो इस विश्व कप का क्या होने वाला है नतीजा, उस पर हम लोग बात करेंगे और काफ़ी चर्चा करेंगे कि फैंस क्या सोच रहे हैं। देवाशीष सेन भी मेरे साथ है और हम सीधा जाएंगे सुधीर जी के साथ। सुधीर जी, आपने एक नारे से स्टार्ट किया था, 2011 की जीत, टीम इंडिया करेगी रिपीट, और बस एक मुकाम दूर है ये चीज़ आपका नारा सफल होने में। मैं तो चाहता हूं कि 2011 की जीत, टीम इंडिया करेगी रिपीट, हमें पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार ये 10 मैच बस एक बस एक कदम दूर, वर्ल्ड कप 2011 रिपीट करने को बेताब है। बस 2003 में राहुल द्रविड़ एज अ विकेट कीपर, 2007 में एज अ कैप्टन, फिर अब 2023 में एज अ कोच। मनोज, दिल की धड़कने बढ़ रही है? बहुत सारा धड़कने बढ़ रही है सर, लेकिन जिस तरह से राहुल सर ने कोचिंग कर, बहुत सारे धड़कन, जिस तरह से कोचिंग राहुल सर ने दिया टीम को, आज टीम एक दीवार के वाल के रूप में खड़ी हो गई है, तो उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया ये जो मैच जीत के वर्ल्ड कप, राहुल सर कल राहुल सर का लास्ट डे है एज ए कोचिंग, तो मैं चाहता हूँ टीम इंडिया वो सर को जीत के डेडिकेट करे वर्ल्ड कप। भारत माता की जय। अभी भी लास्ट डे नहीं है, क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए, बट कल का दिन काफ़ी क्रूशल होने वाला है। देवाशीष, क्या लग रहा है? ऑब्वियसली शुभायन, जैसे कि हमने आज देखा कि देखिए काफ़ी शंका में लोग जुड़ा है, क्योंकि ये जो एक एटमोसफेयर है, एक फेस्टिवल का एटमोसफेयर है, और कल है एक्चुअली क्रिकेट का महोत्सव, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया के पास मौका है, शुभ मौका है आई विल से कि 12 साल बाद वो एक रिपीट करने की। 2011 में हमने देखा वांकेड़े में इतिहास रचते हुए महेंद्र सिंह धोनी का टीम। तो मैं हमारे साथ मैं सुधीर से ये जानना चाहेगा, सुधीर कल आपकी कैसे तैयारी रहेगा और थोड़ा बहुत टेंशन हो रही है? कोई टेंशन नहीं होगी, हर हाल में मुझे पूरी उम्मीद है कि 2011 की जीत, टीम इंडिया करेगी रिपीट। और जिस प्रकार हमने 2011 में टीम इंडिया जीती, और इस टूर्नामेंट में ये देखे गए कि जो 2019 में न्यूजीलैंड ने मुझे फाइनल में जाने से रोका, फाइनल की टिकट उसने काटा मैनचेस्टर में, तो मैंने उसको बाहर किया। और मुझे याद है कि 2003 इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में जोहान्सबर्ग में थी और ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया हारी, उसकी बदला आज हम 2023 में लेंगे, यानी 20 साल बाद इतिहास दोहराने का मौका मिलेंगे। अभी शुभायन, मैं आपसे जानना चाहेगा, अभी से रोहित शर्मा का आप खुद मौजूद थे आज रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हाउ वाज द मूड ऑफ द कैप्टन? ओह, ही वाज रिलैक्स्ड ऑफ कोर्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बार बार ऊपर क्यों देख रहे हैं, ये ड्रोन शो का रिहर्सल हो रहा है, इसीलिए काफ़ी चीयरिंग भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन शो होने वाला है। बट रोहित शर्मा के मूड के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स काफ़ी लाइट हार्टेड थे, उन्होंने बोला कि काम एंड कंपोज रहना है, जिस हिसाब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वैसे ही खेलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रोहित ने की कि राहुल द्रविड़ ने जो हमारे क्रिकेट के लिए दिया है, वी वुड लाइक टू डू इट फॉर हिम। 2011 में हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर को, सचिन पाजी को विराट कोहली ने कंधों पे उठाया था, तब राहुल द्रविड़ नहीं थे, तो मे बी हमें दिखने को मिले कि इस बार राहुल द्रविड़ को कंधे में उठाया जाए। ऑफ कोर्स, क्योंकि लेजेंड प्लेयर है और टीम इंडिया का कोच बने हुए हैं, तो ये दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस हिसाब से अभी इंडियन टीम प्रैक्टिस किया है, जिस हिसाब से उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं, फेवरेट जाएगी, ज़रूर फेवरेट जाएगी। बट अभी के लिए हम लोग यहीं पे शो ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, हम लोग आपको रिएक्शंस देते रहेंगे और सारा जो बिल्डअप है कल का वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुधीर जी, एक रात बाकी है, कल तो होगा ही होगा, बट आज का दिन हम खत्म करते हैं आपके नारे से। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान।